Hello everyone. So once again I welcome you all on this channel. And in this particular video, इस particular session के अंदर हम solve करने वाले हैं puzzle के question और blood relation के question जो 2019 CSAT के अंदर पूछे गए थे. ठीक है, start करते हैं. हमारा सबसे पहला question यहाँ पे मैं given है कि 6 students ABCDEF appeared in several tests, either C or F scores the highest. अच्छा, एक बात और important है, जब भी puzzle का question आए ना तो पहले एक बारी क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए, पहले एक बारी अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और पूछा क्या जाने वाला है. ठीक है, इससे आसान हो जाता है फिर पजल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना. और इतना टाइम इन्वेस्ट आप कर ही सकते हो पजल के ऊपर, बिकॉज देखो यहाँ पे तीन क्वेश्चन एक पजल से अगर आपके तीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो इतना तो वर्थ करता है कि पजल को आप पहले दो बारी अच्छे से, एक बारी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर दूसरी बारी में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है, अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ पहले पूरा. व्हेनेवर सी स्कोर्स द हाईएस्ट देन ई स्कोर्स द लीस्ट, व्हेनेवर एफ स्कोर्स द हाईएस्ट बी स्कोर्स द लीस्ट. ठीक है, एक कंडीशन गिवन है. फिर इन ऑल टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, डी स्कोर्स हाईएस्ट देन ए बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स. अच्छा, ए स्कोर्स हाईएस्ट देन बी, सी स्कोर्स हाईएस्ट देन ए. ठीक है, कुछ कंडीशंस गिवन है. फिर यहाँ पे मेंशन है कि अगर एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग तो पोजीशन बताओ बी की, अगर बी स्कोर करता है लीस्ट तो रैंक सी की बताओ, इफ ई इज रैंक थर्ड. ठीक है, तो मैं पढ़ चुका हूँ एक बारी, अब मुझे समझ आ चुका है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और किस तरीके से इसको अप्रोच करना है. अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखते रहना, बहुत ईजी होता है यार पजल को सॉल्व करना. बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना उसको वैसे वैसे प्लॉट करना है ऑन पेपर. अगर आपका प्रोजेक्शन अच्छा हो जाता है ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा. अब सिक्स स्टूडेंट है ए बी सी डी एफ अपीयर्ड इन सेवरल टेस्ट, इधर सी और एफ स्कोर्स हाईएस्ट. अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे पेपर पे पेंसिल से ना प्लॉट कर लिया करना एग्ज़ाम में भी. तो या तो सी हाईएस्ट है या फिर एफ हाईएस्ट है. ठीक है, अब टोटल सिक्स है ना, टोटल सिक्स गिवन है तो इसके नीचे पाँच आ जाएंगे, 1 2 3, तो पाँच स्पेसेस इसके नीचे, अब इसी के नीचे भी पांच स्पेसेस. अब आगे देख लेते हैं. व्हेनेवर सी स्कोर द हाईएस्ट, अगर सी स्कोर करता है तो ई स्कोर लीस्ट, अगर सी हाईएस्ट है तो ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा. अगर एफ स्कोर हाईएस्ट तो बी स्कोर द लीस्ट, अगर एफ हाईएस्ट है तो यहाँ पे बी आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक मेरा प्रोजेक्शन हो चुका है ऑन पेपर. अब इसके बाद देखिए, अगर इन ऑल टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, डी स्कोर्स हाईएस्ट देन ए. अब डी जो है वो ए से ज़्यादा मार्क गेन करता है, तो अब यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अब दोनों जगह इस चीज़ को प्लॉट करना चाहो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना भाई. डी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी आ सकता है, नहीं पता ना. तो अभी नहीं प्लॉट करेंगे, अगर नहीं प्लॉट अभी करेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे ना, शॉर्ट में, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की तरीके से कहीं और यहाँ पे साइड में प्लॉट कर लेते हैं. ये कह रहा है कि डी के जो मार्क्स हैं ना वो ज़्यादा हैं एक तरीके से ए से, तो इस तरीके से मैं शॉर्ट में मैंने लिख लिया कि डी जो हमेशा वो ऊपर आएगा. लेकिन फिर बोला बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, अगर क्लोज कॉम्पिटिटर्स है ना तो यानी कि बिल्कुल पास है, यानी कि बिल्कुल ए के एडजेसेंट रहेगा डी लेकिन ऊपर रहेगा, यानी कि ए और डी बिल्कुल एक साथ साथ हैं लेकिन डी ऊपर है. ठीक है, अब ए स्कोर्स हाइयर देन बी, ए जो है वो बी से ज़्यादा मार्क गेन करता है. ठीक है, एंड सी स्कोर्स हाइयर देन, और जो सी है वो सी, जस्ट वेट, सी जो है वो ज़्यादा गेन करेगा ए से, यानी कि सी हमेशा ए के ऊपर रहेगा. तो तीन कंडीशंस मेरी आ गई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है. यहाँ पे ये देखो मैंने जो बॉक्स में फिट किया ना इनको, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट ही, हमेशा ऐसे ही आएंगे. अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग, अगर एफ को सेकेंड रैंकिंग करते हैं, अगर एफ सेकेंड रैंकिंग पे आता है देन द पोजिशन ऑफ बी. अब जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको वन बोल देता हूँ और इसको टू बोल देता हूँ. अगर एफ सेकेंड पे है ना तो सेकेंड वाली जो कंडीशन है ना मेरी, ये एफ को सेकेंड पे कह रहा है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है ना, तो सेकेंड वाला जो कंडीशन है ना उसको फॉलो नहीं करूँगा मैं, फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे सॉल्व होगा अभी. तो एफ को मैं यहाँ बिठाता हूँ जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है. अब बोलते हैं तो पोजिशन ऑफ बी बताओ. अब पोजिशन ऑफ बी फिल करना है, देखो डी और ए एक साथ आएगा, ये गिवन है. डी को अगर यहाँ बिठाता हूँ और ए को यहाँ बिठाता हूँ तो बी नीचे आना चाहिए कि सेकंड कंडीशन देखो, और सी ऊपर आएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल फुलफिल हो रही है ना. लेकिन अगर देखो एक और पॉसिबिलिटी बनती है, अगर डी को यहाँ बिठाता, डी और ए तो साथ में आएंगे, डी और ए एक साथ ऐसे आते तो फिर बी को तो एक ही प्लेस बचता ना, यहाँ बिठाना पड़ता. लेकिन बी जो है ना वो नीचे रहेगा इसे, सेकेंड कंडीशन जो थी यहाँ देखो इधर, इसके अंदर ए हमेशा ऊपर रहेगा लेकिन यहाँ पे बी ऊपर चला जा रहा है तो ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी. तो इसीलिए जो हमारा पहला केस था ना, जो हमने पहले बनाया था, जो पहला केस है
वही फॉलो होगा और उसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो ये फुलफिल कर रहा है हमारी सारी कंडीशंस को, सी ऊपर है इसे, ठीक है, और डी ऊपर है इसे और बी नीचे ए के, तो इस हिसाब से पोजिशन ऑफ बी क्या होगी, फिफ्थ, फिफ्थ पोजिशन पर है ना, तो फिफ्थ हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ़ बी स्कोर्स द लीस्ट, अगर बी जो है सबसे कम, यानी कि इस वाले केस में हम सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाली को नहीं फॉलो करेंगे, अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट वाली में बी स्कोर्स द लीस्ट है, तो रैंक ऑफ सी बताना है। अब यार रैंक ऑफ सी बताना है तो अब ये देखो, डी और एक साथ आना है, या तो डी यहाँ पे आ सकता है, जस्ट वेट, या तो डी यहाँ पे आ सकता है, ए उसके जस्ट नीचे आएगा, या फिर डी यहाँ पे आ सकता है, ए उसके जस्ट नीचे आएगा। देखो डी मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, थर्ड प्लेस पे नहीं डी लिख पाऊँगा, और ए जस्ट उसके नीचे, देखो तीन पॉसिबिलिटी बन रही है ना इस तरीके से इन प्लेसेस की। बी तो एग्जैक्टली यहीं रहेगा सारे केसेस में, बी तो यहीं रहेगा ना, एफ यहीं कहीं रहेगा, लेकिन डी देखो जो ये वाला केस है ना, इस केस में डी यहाँ पे नहीं आएगा, देखो डी ए से ऊपर हमेशा सी रहेगा, अगर ए से ऊपर सी रहेगा तो कोई प्लेस है इस केस में नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा केस। अब इस केस में देखो यहाँ पे एक ये प्लेस खाली है और एक ये प्लेस खाली है, यहाँ पे तो दो प्लेस खाली है, एक ये और एक ये। अब ये इस वाले इन दोनों केसेस के अंदर देखो, अगर मैं सी को यहाँ फिल करता हूँ तो कर सकता हूँ ना सी, बिकॉज नीचे तो आएगा नहीं, ए से ऊपर ही रहेगा, तो इस केस में ई यहाँ पर आ जाएगा, एक कंडीशन तो ये बनती है। अब इस केस में देखो सी यहाँ भी आ सकता है, बिकॉज कंडीशन वेरीफाई हो रही ना, ए से ऊपर हमेशा सी रहेगा, और यहाँ पे भी आ सकता है, अगर सी यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा, अगर सी यहाँ आता है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना दोनों कंडीशन। तो यानी कि या तो सी सेकंड प्लेस पे आ रहा है, इन दोनों कंडीशन को देखो तो सी सेकंड पे आ रहा है या फिर थर्ड पे आ रहा है, या तो थर्ड पोजीशन पे या फिर सेकंड पोजीशन पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो सेकंड या थर्ड। ठीक है, अब 78 क्वेश्चन नंबर पढ़ो, अगर ई को रैंक कर दिया जाता है थर्ड, अब इन सारी चीज़ों को एक बार इरेज कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखो अब ये कह रहा है, जस्ट वेट, अब ये कह रहा है कि अगर 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो कि अगर ई को रैंक कर दिया जाता है थर्ड, लो भाई थर्ड पे बिठा देते हैं ई को, तो देखो इस कंडीशन में तो फॉलो नहीं होगा ना, बिकॉज ई इस केस में लास्ट में, तो ई थर्ड पे बिठा सकता हूँ मैं, इसी केस में बिठा सकता हूँ ना, लो ई को अगर थर्ड पे बिठा देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे डी और एक साथ रहेगा, तो यहाँ पे एक ही प्लेस खाली है, दो प्लेस की जगह पे खाली है यहीं पे, तो डी और यहाँ पे हमेशा यहीं आएगा, और सी हमेशा ऊपर है, ऐसा गिवन है ना कंडीशंस में, तो ये मेरा केस बनेगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो क्या है कि ई गेट्स मोर देन सी, क्या ई मोर देन सी है, नहीं है, सी गेट्स मोर देन ई, बिल्कुल सही है, तो सही हमारा। ए रैंक इज़ फोर्थ, ए की रैंक फोर्थ है क्या, नहीं फिफ्थ है, यहाँ पे देखो डी इज़ रैंक फिफ्थ, डी की रैंक तो यहाँ पे क्या है, डी की रैंक फोर्थ है यहाँ पे, लेकिन ये फिफ्थ की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा आंसर बी। ठीक है, तो इस तरीके से ना अगर आप अच्छे से प्लॉट करते हो पज़ल को पेपर के ऊपर, और अगर पॉसिबिलिटी बनती है ना तो पॉसिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है, तो आपका आंसर पज़ल के अंदर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना आपको, इसलिए मेरे को टाइम लगा है। अब तीन क्वेश्चन के लिए अगर आपके 5 मिनट भी लग जाते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, और मतलब तीन क्वेश्चन 5 मिनट में अगर आप अश्योर करते हो तो ये अपने आप में वर्थ है, तो इसलिए पज़ल को हमेशा ध्यान से सॉल्व करना है पेपर के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, इनके बेसिस पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, अभी प्लॉट कर लेते हैं जैसे जैसे कहा जा रहा है। इनके अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज़ लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। अच्छा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन। अच्छा, तो दो स्टेटमेंट गिवन है। अब इसमें वेट ऑफ सोहन जो है ट्वाइस, अगर करते हैं ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज़ लेस देन द वेट ऑफ, या तो मोहन, यहाँ पे वेट ऑफ सोहन मैंने ऐसे ले लिया, और वेट ऑफ मोहन भी एम ले लिया, और रोहन या तो एम और रोहन। ठीक है, इस तरीके से है स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू क्या है कि ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन। तो ये दो गिवन स्टेटमेंट हैं। अच्छा, इन दो गिवन स्टेटमेंट में ध्यान से अगर देखोगे ना,
अगर आप वेरिएबल के फॉर्म में इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो वेरिएबल के फॉर्म में, तो शायद प्रॉब्लम आ जाए। वैसे तो नहीं आनी चाहिए, अगर फिर भी आती है ना तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ अब यहाँ पे कुछ और गिवन नहीं है ना, तो अपने हिसाब से सोचते हैं ना यार। सोहन का वेट मैं 5 अज्यूम करता हूँ, तो 5 अगर सोहन का वेट है तो 2 आईज ऑफ सोहन 10 हो जाएगा। अब 10 से ज़्यादा होना चाहिए एम और आर, ठीक है। पहले स्टेटमेंट से जो मुझे बात पता चली वो ये पता चली कि अगर सोहन 5 है तो एम आर का वेट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू मी। मेरे क्वेश्चन मतलब मैंने जो जिस अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ उसके हिसाब से एम और आर का वेट 10 से ज़्यादा होना चाहिए। अब स्टेटमेंट 2 देखो। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे पता चल चुकी है कि एम एस जो है ना, एस इतना छोटा है कि अगर उसका डबल भी करोगे ना तब भी, और एम और आर दोनों बड़े ही होंगे, तो यानी कि सोहन सबसे लीस्ट है ना, सोहन सबसे लीस्ट पता चल चुका है स्टेटमेंट 1 से ही। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखो कि ट्वाइस ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन मोहन और सोहन। अब सोहन तो सबसे छोटा ही, सोहन की तो बात साइड कर ही देते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखो बस मोहन के साथ क्या रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे एम और आर का वेट नहीं पता, बस ये पता है कि 10 से बड़ा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आर के वेट को 12 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ट्वाइस ऑफ आर अगर करता हूँ तो 24 हो जाएगा। 24 अगर ये होता है तो फिर ये बात कह रहा है कि मोहन के वेट से बड़ा होगा। यार मोहन के वेट का मेरे को क्या पता, अगर मोहन का वेट फॉर एग्जांपल 11 होता है, मोहन का वेट अगर 11 होता है तो आपकी बात सही हो जाएगी कि मोहन का वेट कि रोहन जो है ना वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर मोहन का वेट 11 हो जाता है फॉर एग्जांपल तो रोहन सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहन का वेट यहाँ पे 14 हो जाए, ठीक है। बिकॉज जो 12 × 2 आपने किया ना, 24 से तो छोटा ही है ना 14, 24 से तो छोटा ही है 14, तो यानी कि मेरा सेकंड स्टेटमेंट की जो कंडीशन है उसको वेरीफाई तो कर रहा है ना 14 भी। और 11 अगर मैं 11 लेता हूँ मोहन का वेट, वो भी वेरीफाई करेगा बिकॉज 24 जो है वो 11 से बड़ा है और 14 से भी बड़ा है। ट्वाइस ऑफ आर है ना, रोहन का मैंने 12 एज्यूम किया है, तो इस हिसाब से मोहन जो है वो रोहन से बड़ा भी हो सकता है, 14 भी वेट हो सकता है, 11 भी हो सकता है, यानी कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता। इस केस में मेरे को किसका वेट सबसे ज़्यादा है ये नहीं पता चल सकता। जो फाइनली मेरा कंक्लूजन आता है ना, सिर्फ ये आता है कि या तो मोहन बड़ा होगा या फिर रोहन बड़ा होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा, सोहन होगा। तो मेरा जो फाइनली आउटपुट आता है ना ये आता है, या तो मोहन या फिर रोहन बड़ा होगा लेकिन सबसे छोटा सोहन होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। वेट ऑफ मोहन इज़ ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते, वेट ऑफ सोहन इज़ ग्रेटेस्ट नहीं गलत है, वेट ऑफ रोहन इज़ ग्रेटेस्ट ये भी नहीं बता सकते, तो वूज वेट इज़ ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमारा आंसर हो जाएगा डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेट ऑफ मोहन इज लीस्ट नहीं गलत है, वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट यस एग्जैक्टली, वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट, वेट ऑफ रोहन इज लीस्ट गलत, वूज वेट इज लीस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये भी गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अब ये भी बहुत ही आसान होते हैं जिस किसी को नहीं पता ना ब्लड रिलेशन सॉल्व करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट अपनी अपनी स्ट्रैटेजी से इसको सॉल्व करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं पता है क्या करता हूँ, जिसको नहीं पता वो ध्यान से इस चीज़ को समझ लें तो आसान हो जाएगा। हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी प्रोजेक्ट करते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मन मन में नहीं सोचते कि ए का बी के साथ ये रिलेशन है तो मन मन में ही डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट करना है इसको। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल जो होता है ना वो मेल के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ और फीमेल को सर्कल में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बताया गया है कि ये फीमेल है ना, तो फीमेल फॉर एग्जांपल बी है तो मैं बी को प्लेस कर दूंगा सर्कल के अंदर। अगर मेरे को बताया जाता है कि ए है वो मेल है तो मैं ए को ट्राइंगल के अंदर, और अगर ए और बी की आपस में मैरिज हुई है ना, कपल है, तो मैं डबल लाइन से इसको अटैच कर देता हूँ दोनों को, अगर मैरिज होती है। मैरिज के केस में, कपल के केस में मैं डबल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और अगर इन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स आते हैं मतलब इनकी अगर जनरेशन आगे बनती है ना, इनके बच्चे अगर होते हैं तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल सी एक ऑफस्प्रिंग है, चाइल्ड है, और डी एक चाइल्ड है। अब ये आपस में ब्रदर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, जो कुछ भी, अगर ये सिबलिंग्स है ना एक दूसरे से, अगर सिबलिंग है ना ये आपस में, तो मैं सिंगल लाइन से इनको अटैच करता हूँ, ठीक है। सिंगल लाइन से अटैच करूँगा सिबलिंग के केस में, मैरिड कपल के केस में डबल लाइन से अटैच करूँगा, बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं करना। अब इसी को प्रोजेक्ट करना है बस पेपर पे, ओके। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, वैसे वैसे मैं इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलूँगा प्रोजेक्ट करके ऑन पेपर। यहाँ पे एक जॉइंट फैमिली है, 7 मेंबर हैं उसके अंदर, ये गिवन है मेरे को, ठीक है, जहाँ पे 3 फीमेल है, 3 फीमेल्स हैं।
अब ये नहीं पता कौन सा फीमेल है ए बी सी डी ई एफ जी में से जी। अब देखो आगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, आगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जी इज़ अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज़ फादर एफ। अब इसको मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा, डीज़ फादर एफ यानी कि डी कोई बंदा है या फिर बंदी है, या तो गर्ल है या फिर बॉय है, नहीं पता है क्या। अब इसके जो फादर है ना वो एफ है। अब फादर मैंने बनाया तो मैंने जैसे आपको बताया मेल हो गया ना, अब इनकी किसी से मैरिज हुई होगी तो डी एक चाइल्ड अगर है, लेकिन डी का मेरे को जेंडर नहीं पता तो मैंने इसको ऐसे कैसे लीव किया हुआ है अभी, इस तरीके का मेरा केस बना। लेकिन जो जी है ना वो विडो है लेकिन सिस्टर इन लॉ है। अगर सिस्टर इन लॉ है ना, सिस्टर इन लॉ यानी कि जो इनकी वाइफ है उनकी सिस्टर ही होंगी, और सिस्टर इन लॉ तो जी फीमेल है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इतना प्रोजेक्ट हो चुका है डायग्राम। अब विडो है ना तो इनकी आगे शादी हुई तो थी लेकिन उसके बारे में हम आगे ड्रॉ नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन में हमें इतना ही गिवन है कि वो विडो है, लेकिन शादी हुई तो थी, बस इतना आपको दिमाग में रखना, आगे कुछ और ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी सिबलिंग्स हैं, तो यानी कि बी यहाँ ऐसे बन जाएगा लेकिन इसका भी हमें जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, तो यानी कि बी की किसी के साथ शादी हुई होगी, तो ए अगर डॉटर है ना तो ए फीमेल हुई, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब बी की किसी से शादी हुई थी उसके बारे में नहीं गिवन है यहाँ पे, तो हम प्रोजेक्ट भी नहीं करेंगे, बस इतना ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। जितना क्वेश्चन में कहा जाए ना ब्लड रिलेशन के अंदर उतना ही प्रोजेक्ट करना है। अब सी इज़ कज़न ऑफ बी, अच्छा सी कज़न है, सिबलिंग नहीं है कज़न है। अब बी का अगर कज़न होगा तो कहाँ पे बना सकते हो? अब आप सोचोगे कि एफ का कोई भाई होगा तो उनकी मैरिज हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं गिवन है ना कि एफ़ का कोई भाई है, तो अपने आप से अज्यूम नहीं करना है। अब इस केस में अगर आपको कज़न बनाना है ना तो आप बस यहीं बना सकते हो, ठीक है, यहीं से। लेकिन वीडो है तो शादी तो ही होगी ना, उनसे कोई ऑफस्प्रिंग आया होगा तो वही सी है। इस तरीके से इतना आप ड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, जो गिवन है ना सिर्फ उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट करना है आपको, अलग से अपने हिसाब से अज्यूम नहीं करना कि एफ का कोई भाई होगा वहाँ से भी तो कज़न आ सकता था, जितना गिवन है वहीं से कज़न आपको प्लॉट करना था, ठीक है। तो सी यहाँ पे आएगा लेकिन जेंडर नहीं पता अभी भी। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, तीन फीमेल बोला था ना, अगर तीन फीमेल बोला है तो यहाँ पे देखो तीन फीमेल हो चुकी हैं, एक ये और एक ये, तो सारे बाकी जो बचे वो क्या हुए? वो मेल्स हुए, लो सबको मेल कर दो, फिर सी भी मेल हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखो, ई क्या है, वो इज ई। अब देखो सेवन मेंबर है ना, अब टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, तो ई के लिए एक ही जगह बची वो ये है। अब ई जो है वाइफ ऑफ एफ है, वाइफ ऑफ एफ सही है, करेक्ट बात है। ग्रैंड मदर ऑफ ए बिल्कुल सही है, आंट ऑफ सी बिल्कुल सही है, तीनों की तीनों बातें हमारी सही हो चुकी हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी 1 and 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है प्लॉट करके ऑन पेपर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड रिलेशन एंड पजल। तो अगर आप अच्छे से प्लॉट करते हो ना तो इनके क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन यार अगर तीन क्वेश्चन इन अ रो अगर सॉल्व होते हैं या फिर दो क्वेश्चन इन अ रो सॉल्व होते हैं तो इतना तो आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो पेपर के अंदर, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हाँ एक बात और, अगर आप GS के ना GS पेपर 1 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग MCQ सॉल्व करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग 2023 प्रीलिम्स, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप डेली MCQ सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेलीग्राम चैनल, सो टेक केयर, बाय बाय।